लुधियाना में हुए पादरी हत्याकांड के बाद अब इस मुद्दे को लेकर सियासत धीरे धीरे गर्माती जा रही है। आज आम आदमी पार्टी व लोक इंसाफ पार्टी के विधायकों व नेता ने मृतक पादरी के घर का दौरा किया तथा परिवार के साथ गहरी संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर आपके विधायक दल के नेता सुखपाल सिंह खैरा व लोक इंसाफ पार्टी के संयोजक सिमरजीत सिंह बैंस ने हत्याकांड के लिए जहाँ पंजाब सरकार पर निशाने साधे, वहीं कहा कि मौजूदा समय में आम आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गया है। देखो, अज असी सारे आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के सारे आगू इतने आए हैं। असी जो सुल्तान मसीह का कतल होया पास्टर साहब का, पादरी साहब का, पिछले दिन लुधियाना दे विच उसकी सख्त शब्दों के निखेधी करते हैं। और ये एक कारण यह भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आप होम मिनिस्टर ने और उन्होंने जी इस वक्त कोई पंजाब विच कोई उन्होंने कोई जिदा इंट्रस्ट नहीं होंदा, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं है पंजाब दे विच और सारिया गल्लां अफसरशाहियां ते छड्डियां। जिहड़ा धर्म का पाड़ा पाया जा रहा है इस देश दे विच, धर्म नूं वंड के राजनीति की जा रही है, कितने ना कि उधर नूं इह ध्यान जांदा। मैं कल्ली बीजेपी नूं नहीं कह रहा, जिहड़ियां उन्होंने पिछे फोर्सिज ने दे शुड अंडरस्टैंड दिस। मैंने ये बोला है कि आप जरा देश का दृश्य देखें, इस वक्त किस तरह की बहस छिड़ी हुई है, किस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। बीफ खाने के ऊपर एक आदमी को मार दिया जाता है। सस्टेन्स थे उड़ीसा में, जो कोड़ियों की सेवा करते थे उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया था। वो केस अदालत में चल रहा है, सजा हुई है उसमें बकायदा तौर पे बीजेपी के लोग जो जिनके पास अहदे थे, जो वहाँ MLAs थे, उनके बाय नेम वहाँ FIR में है। तो यहाँ पंजाब में भी पहले भी जब क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया, उनके ऊपर जो किया उनके ऊपर वो नीडल ऑफ सस्पेंशन गोज देयर। आई एम ओनली सेइंग दैट द पंजाब पुलिस मस्ट रूल आउट दिस एंगल ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ए प्लान बाय दीज राइट विंग फोर्सेस टू डिस्टर्ब पीस इन पंजाब। उन्होंने राज्य में माहौल खराब करने वाली शक्तियों के पीछे कहीं ना कहीं एजेंसियों का ही हाथ बताया तथा पंजाब के DGP द्वारा इस हत्याकांड में सीमा पार पाकिस्तान का नाम लेने के लिए आड़े हाथ लिया। मैं कहना चाहना कि DGP साहब का बयान सुनया, मैं वो इतने आए पादरी साहब के घर गए, अफसोस करने तो बाहर निकले तो सीधा यदा कहता जी कि ये पिछले फॉरन हैंड है, पाकिस्तान का हाथ है। साडा मनना वा कि ईसाइयों क्रिश्चनस न घट गिनतियां इस देश में भी टारगेट किया जा रहा है, तो पंजाब पहला भी ईसाई टारगेट किए गए हैं। उन्होंने मिथ के टारगेट करके उन्होंने डराया धमकाया जा रहा, क्योंकि कितने ना कि वह एजुकेशन से हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं और इसलिए गल अज के जोड़े सत्ता च बैठे लोग ने उन्होंने ये प्रवान नहीं गा, उन्होंने इंटीमीडिएट करके उन्होंने आवाज़ को बंद करने का उपराला किया जाए। असी इस करके कांग्रेस को वोट नहीं किया क्योंकि स्टेट पंजाब के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है, तो मतलब तुम ये MLA का संबंध मैं दसन लगा, MLA का संबंध केंद्र के नाल नहीं होंदा, केंद्र की सरकार के नाल नहीं होंदा। नो एनी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर BJP, नो एनी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर BJP। सिर्फ से सिर्फ एक मैसेज देने वास्ते भी कांग्रेस की हुकूमत जो काम 10 साल के बादलों ने किया, उन्होंने 72 दिनों के करके दिखाता। जागती लहर के लिए लुधियाना से राजेंद्र अरोड़ा के साथ कुलबीर राही की रिपोर्ट।